उद्योगपति अनिल अंबानी को 450 करोड़ रुपए चुकाने में राज्य सरकार द्वारा दी गई मोहलत पर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का स्पेशल पैकेज चल रहा है, लूट सके तो लूट, कमलनाथ की छूट। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार द्वारा उद्योगपति अनिल अंबानी को 450 करोड़ रुपए चुकाने में राज्य सरकार द्वारा दी गई मोहलत पर कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का स्पेशल पैकेज चल रहा है, लूट सके तो लूट, कमलनाथ की छूट। प्रदेश की उद्योग नीति उद्योगपतियों की सहूलियत से तय हो रही है। किसानों की कर्ज माफी के लिए पैसे नहीं है, कन्यादान की राशि के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आम जनता का पैसा इस तरह बर्बाद किया जा रहा है। कॉरपोरेट कल्चर पूरे मध्य प्रदेश में लागू है और गरीब का जीना मुहाल कर दिया गया है। कमलनाथ सरकार का स्पेशल पैकेज चल रहा है, लूट सके तो लूट, कमलनाथ की छूट। अनिल अंबानी जी को 450 करोड़ रुपए की 4 साल की छूट दे के माफ करने की जो कोशिश मध्य प्रदेश के खजाने से हो रही है, बहुत चिंता का विषय है। एक तरफ तो कहते हैं खजाना खाली है और दूसरी तरफ उद्योग नीति उद्योगपतियों के हिसाब से चल रही है। पैसा गरीबों का है, किसानों का पैसा किसानों को कर्ज माफी में नहीं दिया जा रहा। कन्यादान योजना में 51,000 रुपया कहा, वो कन्यादान योजना की उन बेटियों के बच्चे हो गए और उन बेटियों को बेटी से लाडली लक्ष्मी का लाभ मिल गया, लेकिन कन्यादान के 51,000 नहीं मिले। बेरोजगार नौजवान को आज तक एक ढीला नहीं मिला इस मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन अनिल अंबानी को 450 करोड़ की छूट, आईफा अवार्ड में 700 करोड़ की, मध्य प्रदेश के इंदौर में IT अवार्ड चालू कर दिया हीरो हीरोइन का। आखिर जा कहाँ रहा है मध्य प्रदेश, क्या हालत कर दी कमलनाथ जी ने। कॉरपोरेट कल्चर पूरे मध्य प्रदेश में लागू है और गरीब का जीना मुहाल कर दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।